In today's video lecture, we will discuss about the connection of a function generator with a oscilloscope, how a function generator generates a waveform, and how a oscilloscope helps to display that waveform generated by the function generator. Okay, तो देखो यहाँ पे function generator हमने लिया है जो कि different types of waveform को generate करके दे सकता है, like sine wave, triangular wave and sawtooth wave. तो ये different types के waveforms को यहाँ पे generate कर सकता है of different frequency. तो पहले हम जैसे ही हम इस किट को ऑन करते हैं तो ये दो lines में हमारा डिस्प्ले आता है, एक लाइन में हमको फ्रिक्वेंसी डिस्प्ले आता है और दूसरे लाइन में हमको वेव डिस्प्ले आता है, लाइक साइन वेव और ट्रेंगुलर वेव. वैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टार मार्क है. तो अभी हम जो भी काम करेंगे ये ऊपर वाले लाइन के ऊपर ही काम होगा. हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो 5 के पास है. तो अगर हम यहाँ पे एडजस्ट नॉब को चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो डिस्प्ले में देखो यहाँ पे 16 हो गया. हल्का सा क्लॉकवाइज इसको नॉब को रोटेट करेंगे तो ये 17 हो जाएगा. तो ऐसे करके हम फ्रिक्वेंसी को 17, 18, 19, 20 ऐसे करके चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एडजस्ट नॉब. सो लेट अस कंसीडर कि हम फ्रिक्वेंसी को सेटिंग में रखना चाहते हैं 2 kHz में. तो यहाँ पे हम धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं और इसका इफेक्ट भी देख सकते हो. फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो कैसे वेवफॉर्म के शेप में चेंजेस आ रहा है. ठीक है, तो हम 2 kHz के सिग्नल में सेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम वेवफॉर्म जो है वो साइन वेव रखना चाहते हैं. तो यहाँ पे वेव सेटिंग में साइन है. लेकिन अगर हम इस वेवफॉर्म को चेंज करना चाहें तो इसके लिए हमको ये स्टार मार्क जो है उसको हमको नीचे लेके आना पड़ेगा. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नीचे आने के लिए, वेव के पास आने के लिए हमको ये वाला बटन का यूज करना है, लेकिन शिफ्ट दबा के. तो शिफ्ट दबा के अगर हम ये मार रहे हैं तो वो जो स्टार मार्क था ऊपर से नीचे आ गया. अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेव में साइन है. अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये स्क्वायर भी हो गया. इसका कॉन्सिक्वेंसेस देख सकते हैं, हमारा जो CRO में है वो आ रहा है. अभी हम इसको ऑटो सेट अगर मार देते हैं तो ये पूरा वेवफॉर्म को स्क्रीन में दिखा सकता है. अभी मेरा साइन वेव का सेटिंग था तो अगर मैं इसको वेवफॉर्म का जो सेटिंग है इसको चेंज करके देख सकते हो साइन के लिए साइन आ रहा है वेवफॉर्म में. अगर यहाँ पे सेटिंग में मैं जैसे दोनों एक साथ आएंगे वैसे करना, अगर मैं यहाँ पे साइन का चेंज करके स्क्वायर कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी डिस्प्ले में मेरा स्क्वायर आ रहा है. अच्छा, यहाँ पे जो भी जनरेट हो रहा है सिग्नल वो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप में जा रहा है. इसका कनेक्शन कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टर. यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन जनरेटर से एक कनेक्टर है और यहाँ से ऑसिलोस्कोप से एक कनेक्टर आया है. दोनों ही कनेक्टर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. ठीक है, इससे क्या क्या होगा कि जो भी सिग्नल हम यहाँ पे जनरेट करेंगे वो सिग्नल पहुँच जाएगा किसके पास, फंक्शन जनरेटर के पास. तो वो फंक्शन जनरेटर क्या करेगा उस सिग्नल को, और जो भी सिग्नल जनरेट किया होगा ऑसिलोस्कोप उस वाले सिग्नल को डिस्प्ले कर देगा अपने स्क्रीन में. ओके, जैसे कि यहाँ पे मेरा स्क्वायर वेव दिखा रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर वेव आ रहा है हमारा. मतलब ये जनरेट कर रहा है एक स्क्वायर वेव और यहाँ पे आ भी रहा है एक स्क्वायर वेव. इसको अगर मैं चेंज करके ट्रायंगुलर कर दूं तो यहाँ पे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी आ गया. वैसे ही सॉटूथ वेवफॉर्म भी हम लेके आ सकते हैं CRO में. तो ये तो था बस हम कैसे वेवफॉर्म को चेंज कर सकते हैं. तो आज हम साइन वेव के ऊपर काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो 2 kHz का एक सिग्नल है. वो कौन सा सिग्नल है, साइन वेव का सिग्नल है. फ्रिक्वेंसी सेट हो गया है, वेवफॉर्म भी हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने साइन वेव ही रखना है. अभी हम डिसाइड करेंगे कि इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड को कितना रखना है. तो एम्पलीट्यूड का सेटिंग करने के लिए हमको क्या करना है, शिफ्ट दबा के यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीट्यूड लिखा है. तो शिफ्ट दबा के अगर इसको मारेंगे तो यहाँ पे वो एम्पलीट्यूड वाला सेटिंग आएगा, शिफ्ट एम्पलीट्यूड. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन था उसमें एम्पलीट्यूड वाला सेटिंग आ गया है और जो कर्सर पॉइंट है वो यहाँ पे है. तो मैं इस कर्सर पॉइंट को इस 5 के पास लेके आने के लिए मैं ये वाला अगर नॉब प्रेस कर रहा हूँ तो वो कर्सर पॉइंट जो है शिफ्ट होके 5 के पास आ गया है. अभी मैं अगर यहाँ से एडजस्ट नॉब से एडजस्ट करूँगा तो मैं देख सकता हूँ 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है और इसका इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर भी आ रहा है. देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 था तो वेवफॉर्म का भी वोल्टेज 7 था. अभी 8 हुआ तो वोल्टेज का मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, तो उस हिसाब से सिग्नल बड़ा हो गया है. छोटा वाला एम्पलीट्यूड रखना है तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कम कर सकते हैं. तो अगर एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट होगा तो इसके हिसाब से वेवफॉर्म का जो शेप होगा, साइज होगा, वो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म ऑल्सो डिक्रीज. ओके, तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड 5 में सेट करना है तो मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड का सेटिंग 5 दे सकता हूँ.
अगर मैं चाहता हूँ कि 5.5 वो भी अचीव हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर पॉइंट को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ये वाला नॉब को यूज करना पड़ेगा। इसको प्रेस करें, कर्सर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और अभी अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5.5 वोल्ट भी मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एम्पलीट्यूड का सेटिंग और फ्रीक्वेंसी का सेटिंग फ्रॉम द फंक्शन जनरेटर करना है। और ये वाला जो सिग्नल है वो सिंपली जाएगा किसके पास, फंक्शन जनरेटर के पास जाएगा। फंक्शन जनरेटर से जनरेटेड होके ऑसिलोस्कोप में जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज फ्रॉम पिक टू पिक 50 दिखा रहा है, ये 50 एक्चुअली 50 डिवीजन को इंडिकेट कर रहा है। 50 डिवीजन मतलब क्या होगा कि 5 वोल्ट पर पोर पर वोल्ट, ये 10 डिवीजन कवर कर रहा है। उसके हिसाब से 5 वोल्ट के लिए हमारा 50 डिवीजन आएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज फ्रॉम पिक टू पिक यहाँ पे जो 50 दिखा रहा है वो इनडायरेक्टली यही बता रहा है कि ये 5 वोल्ट का सिग्नल है। ओके, पिक टू पिक वोल्टेज मेरा कितना है, 5 वोल्ट है। ओके, और हमने सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कितना रखा था, 2 किलोहर्ट्ज़ रखा था। उसके हिसाब से अगर तुम टाइम पीरियड निकालोगे, 1/2 किलोहर्ट्ज़ करोगे, तो दैट इज़ 0.5 मिली सेकेंड यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिखा रहा है। तो ये तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी कितना है सिग्नल का, पिक टू पिक एम्पलीट्यूड कितना है और टाइम पीरियड कितना है। तो ये तीनों के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइम पीरियड, वोल्टेज फ्रॉम पिक टू पिक एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, जो कि यहाँ पे सिग्नल हमारा डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का सेटिंग है, उस एम्पलीट्यूड को हम कितना तक ले सकते हैं इंक्रीज करते हुए, मैक्सिमम हम जा सकते हैं 20, और अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो हम मिनिमम कितने तक जा सकते हैं, 0.20 वोल्टेज, इसका मिनिमम वोल्टेज है। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे तुम एक नॉब है, यहाँ पे देख सकते हो ओके नॉब, इस ओके नॉब को प्रेस करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज जो है वो 0.200 वोल्ट से स्टार्ट हो गया। अभी अगर यहाँ से तुम इंक्रीज करोगे तो वो 0.2 वोल्ट से इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम 2 वोल्ट तक जा सकता है। तो ये एटेन्यूएशन होता है, इसको हम एटेन्यूएशन बोलते हैं, जिसमें हमने वोल्टेज का रेंज को कम कर दिया, जिसमें हम मिनिमम वोल्टेज कितना अचीव कर पा रहे हैं, मिनिमम वोल्टेज 0.005 वोल्ट अचीव कर पा रहे हैं, और इसको ज़्यादातर बढ़ा बढ़ा के हम कहाँ तक जा सकते हैं, इंक्रीज करते हुए 2 वोल्ट तक जा सकते हैं। तो कभी कभी अगर हमको 2 वोल्ट के अंदर ही काम करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं हम एम्पलीट्यूड को सेटिंग, कोई भी एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड को 2 वोल्ट के अंदर रख सकते हैं सेट करके। और अगर हमको ज़्यादा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर से हम यहाँ पे ओके मार के एटेन्यूएशन फैक्टर लेके आएंगे, जिससे हम फिर से वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 20 वोल्ट तक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे तुमको कोई सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेटिंग करना है और उसका एम्पलीट्यूड सेटिंग करना है। वंस फंक्शन जनरेटर से तुम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेट कर देते हो कोई भी वेवफॉर्म का, उसको तुम डायरेक्टली फेड कर देते हो किसमें, कोई भी एक जो तुम्हारा होगा ऑसिलोस्कोप, उसको फेड कर देते हो। तो ऑसिलोस्कोप वो वाला सिग्नल को अगर डिस्प्ले नहीं कर पाएगा अपने स्क्रीन के अंदर, तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक नॉब होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो सेट। अगर ऑटो सेट मारते हो तो वो जो सिग्नल था जिसको वो स्क्रीन में नहीं लेके आ पा रहा था, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके सिग्नल को क्या करेगा, वही रेंज में मतलब डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर में डिस्प्ले कर लेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट होता है कि जो सिग्नल यहाँ पे हम ऑसिलोस्कोप में देखते हैं, वो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज सोली डिपेंड ऑन द फंक्शन जनरेटर सिग्नल दैट यू आर फेडिंग टू द ऑसिलोस्कोप। मतलब अगर तुमको इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी या तो एम्पलीट्यूड को सही में चेंज करना है, तो उसको करने के लिए तुमको यहाँ पे जो फंक्शन जनरेटर दिया है उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा, तभी जाके इसमें वो रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे अगर तुम सिग्नल को चेंज करना चाहते हो, सिग्नल का वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो, या तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको चेंज करना चाहते हो, तो वो यहाँ से अचीव नहीं हो पाएगा, उसके लिए तुमको इसके पास आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसका 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉब होता है, जैसे कि यहाँ पे जो सिग्नल है उसको तुम यहाँ पे छोटा या तो बड़ा कर सकते हो। छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज पर डिवीजन वाला जो नॉब दिया है उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ऐसा कर इसको चेंज करके तुम जो सिग्नल है उसको छोटा या तो बड़ा कर सकते हो। ओके, और ये वाला जो नॉब है वो टाइम के ऊपर काम करेगा, मतलब सिग्नल को पास लेके आएगा या तो दूर लेके जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट करने से सिग्नल जो होगा वो पास आएगा या तो दूर होगा। ठीक है, और सिग्नल को अगर तुम ऊपर नीचे करना चाहते हो तो यहाँ पे जो पोजीशन नॉब है वो हेल्प करेगा। ये वाला जो पोजीशन नॉब है वो सिग्नल को ऊपर या तो नीचे करने में हेल्प करता है स्क्रीन में। ठीक है, और ये वाला लेफ्ट राइट कराने में हेल्प करता है, लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं या तो राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं सिग्नल को बाय द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन नॉब।
तो यहाँ पे दो पोजीशन नॉब है ऊपर नीचे जाने के लिए, लेफ्ट और राइट जाने के लिए। दो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे नॉब है, इनका काम होता है वोल्टेज मतलब जो सिग्नल है उसका जूम करके दिखाए या तो छोटा करके दिखाए, जैसे कि ये वाला सिग्नल को बड़ा करके दिखा दिया या तो छोटा करके भी देख सकते हो। जब स्क्रीन में तुम्हारा सिग्नल नहीं आ रहा होगा तो इसको यूज करके तुम सिग्नल को स्क्रीन के अंदर फिट कर सकते हो, ठीक है। और इसका काम होता है सिग्नल्स जो होगा उसको पास पास लेके आए या तो दूर दूर लेके जाए, ये इसका काम होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉब होते हैं एक सीआरओ के। और यहाँ पे पोजीशन कंट्रोल यहाँ से होता है, और एक तुम देख सकते हो यहाँ पे रन स्टॉप होता है। अगर तुम्हारा सिग्नल मूविंग टाइप का है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पे तुम रन एंड स्टॉप बटन को प्रेस कर दोगे तो ये जो सिग्नल मूविंग नेचर का होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो जिससे क्या कर सकते हो कि तुम जब सिग्नल का प्लॉट करना चाहते हो ऑयल पेपर में, तो उस टाइम तुम इजीली सिग्नल को प्लॉट भी कर सकते हो कोई भी ऑयल पेपर के ऊपर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।